हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी इब्रत अल्लाह व नबी मुहम्मद की वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज हाजिर हूं बिलग्राम शरीफ की धरती पर और सारे यजदी एक जगह इकट्ठा है। सारे यजदी ये हजरत मीर मोहम्मद सोगरा की औलादे एक मिंबर पर इकट्ठा है। चाहे हजरत सोहेल मिल्लत हो, चाहे रिजवान मिल्लत हो, चाहे हमारे बादशाह भाई हो, हजरत उबैद मुस्तफा हो, या मैं फकीर हूँ, सब हुजूर मीर मोहम्मद सोगरा की औलादे हैं। कि बहुत कम होता है कि इतने सादात एक जगह की औलादे एक जगह इकट्ठी हो जाए, ये ताहिर चाचा की करामत है। बात आई करामत की, ये बात आई करामत की, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये खानवादा करामतों की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। सोगरा की औलादें करामतों की बुनियाद पर नहीं पहचानी गई, अपने इल्म की बुनियाद पर पहचानी गई, अपने इल्म की बुनियाद पर पहचानी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नालैन के सदके में इस खानवादे में एक से एक आलिम पैदा फरमाए। मुर्तजा हुसैन द्विवेदी हों, मीर आजाद बिलग्रामी हों, अब्दुल हायदे बिलग्रामी हों, टूर साहेबुल बरकात हों, शाह हमजा हों, शमसे महरेरा हों, और हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी तसव्वुफ में ऐसी किताब लिखते सबे सनाबिल जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो जाए। आप क्या समझते हैं इस खानवादे से लोगों ने बैत की, मुरीद हुए, क्या करामतें देखकर मुरीद हुए थे? अगर करामतें देखकर मुरीद होते तो आला हजरत फाजले बरेलवी जिनके औलाद यहाँ तशरीफ फरमा है वो करामतें तो देखते ही आ रहे थे। अगर महरेरा में जानो माल का सौदा किया और सरकार गौसे आजम का पट्टा अपने गले में डाला, वो इस हजरत मीर मोहम्मद सोगरा की औलादों के इल्म की बुनियाद पर डाला गया है। ताहिर चचा दुनिया से तशरीफ ले गए, उनमें खूबी और थी। क्या खूबी थी? उनके यहाँ आने के रास्ते वसी थे, जाने के रास्ते तंग थे। आने के रास्ते वसी थे, जाने के रास्ते तंग थे। और एक बात और बताऊं, वो मुरीदों के नजराने पर डिपेंड नहीं थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को अहले हलाल खिलाया, बड़ी मेहनत करके खिलाया। नजराने पीरजादों के दिमाग खराब कर देते हैं। नजराने मुझे बोलने में कोई वो नहीं है, और ये मुझे बोलने में क्या हुआ, ये मेरा मिंबर मेरे बाप का मिंबर। हम सारी जगती बैठे हुए हैं, हम सब एक जद की औलाद हैं, हम सब एक जद की औलाद हैं। और हमारे जद्दे आला हजरत फाजले बरेलवी आए, ऐनुल हक शाह अब्दुल मजीद बदायूनी आए। जब शाह ऐनुल हक शाह अब्दुल मजीद बदायूनी आए और शमदे महरेरा को चीनी पढ़ते देखा, पानी पढ़ते देखा, ताबीज करते देखा, तो इल्म गालिब आया। खानगाहों में क्या होता है, कभी चीनी पड़ी जाती है, कभी तावीज दिए जाते हैं, कभी दुआएं की जाती है। अबे ये चीनी पड़ता रहता है, तावीज करता रहता है। चले गए इल्म के गौम में, चले गए और कहते गए कि ऊंची दुकान है और फीका भगवान है। इसके लिए कह रहे हैं कि हजरत मीर मोहम्मद सोगरा की औलादों के लिए कह रहे हैं, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की औलादों के लिए कह रहे हैं। गए बड़े सरकार पे, हाजरी की यूनियन आई, किस्मत जागी, सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए। बाबा फरीद ने फरमाया इसका हाथ इसके मुर्शिद के हाथ में दे दो, तो उन्होंने हाथ लेके शमसे महरेरा के हाथ में हाथ दिया और पलट कर आते हैं। हुजूर शमसे महरेरा बैत करते हैं और फरमाते हैं अब तो ऊंची दुकान और फीका पकवान नहीं है। दुकान
दुकान भी ऊंची है, भगवान भी ऊंचा है। दुकान भी ऊंची है और भगवान काहे दिखता है दुनिया से तशरीफ ले गए। ये महफिल गम की भी है, खुशी की भी है। ये महफिल हुआ करती है सज्जादगी की महफिल हुआ करती है। मुरीदीन मुतवस्सिलीन तशरीफ लाते हैं और खाना वाले वाले इकट्ठा हुआ करते हैं, जाने वाले तशरीफ ले गए। ये अफसोस है लेकिन अपना जानशीन दे गए, बेहतर जानशीन दे गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जानशीन में वो खूबियां पैदा फरमा जो तहज में थी। अब ये तो महर्रा वालों को हक है कि तहज चचा कह रहे हैं, ये हमारे अब्बा को चचा ताऊ कहते हैं, हमारे अब्बा को चचा कहते हैं, हमारे रिश्ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत मीर मोहम्मद सुबरा की औलादें जब भी पहचानी गई अपने इल्म की बुनियाद पर पहचानी गई, वो ऐसे ऐसे जबान न जबान है कलम है, जबान भी मौजूद है कलम भी मौजूद है, फिर इन लोगों को इल्म को देख कर इनसे वो शख्सियतें वाबस्ता हो गई जिनका हाथ दुनिया में डंगा बज रहा। एक बात बताऊं, ये बताऊं, आला हजरत फादर मलेरवी इस खानदान में मुंसलिक हुए, उन्होंने हमारे आका हमारे नाना से इतना इश्क किया, इतना इश्क किया, इतनी मोहब्बत की कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के करम से उन्होंने अल्लाह के हबीब से इतनी मोहब्बत फरमाई कि उनकी मोहब्बत अल्लाह ने हर सुन्नी के दिल में डाल दी, हर सुन्नी के दिल में डाल दी। और जब हजरत मीर मोहम्मद सुबरा की औलादों को देखते थे तो पुकार उठते थे, कैसे आकाओं को बनता हूँ रजा बोल वाले मेरी सरकारों में। और नूरी मियाँ का चेहरा देख कर वाले रसूल अहमदी का चेहरा देख कर जो कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो आज चचा चाहे उम्मे मुकर्रम इस दुनिया से रुख्सत हुए, उनके जानशीन तशरीफ रखते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वो सारी उपलब्धियाँ जो उम्मे मुकर्रम में थी उनके जानशीन में आए, उनके जानशीन में आए। आपका और हमारा हाल तो ये है कि पांच मिनट हुआ, माइक भी मेरे पास है और टाइम भी मेरा। हाल ये है कि आप पीरी मुरीदी को करामतों की बुनियाद पर टटोलते हैं कि अगर कोई करामत हरकत हो जाए तो मुरीद हो जाए। अब अगर सोयल मियां यहाँ बैठ कर आपको बादाम फैला दें, हम देखते नहीं है वो कभी आधा यूज कि उन्होंने हाथ मारा तो हाथ में फल आ गए। अब देखना ऐसे हाथ मारा हाथ में फूल आ गया, फूल खिला रहा है, करामतें दिखा रहा है। करामत दिखाने की चीज तो होती नहीं, करामत छुपाने की चीज होती है, करामत को छुपाने की चीज होती है। अगर करामतों के चक्कर में रहोगे करामतें देखी जाए उसके बाद मुरीद हो जाए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने पीरों को जिस पीर से मालूम हो देखो अगर शरीयत का पाबंद है तो बड़ी मजबूती के साथ उसे पकड़े रहो, अपने पीर को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ो, अपने पीर से मोहब्बत करो, एक देख में चलना सीखो। कभी इस देख में चल रहे हो, कभी उस देख में चल रहे हो, कभी इस देख में चल रहे हो, किसी से फैज नहीं मिलेगा अपने मुर्शिद को छोड़कर। तो जिस जिस पे मुरीद हो अपने मुर्शिद को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ लेना। आज बिलग्राम शरीफ हाजिर हुआ, एक बात बताता हूँ, मदीने में मुनव्वरा की हाजिरी हुई तो आप लोगों को सुना था कि मदीने की चीज खरीद लो तो बरकत होती है, मदीने की चीज खरीदो तो बरकत होती है। तो मैं सुना की दुकान कह गया, मैं कहूँ शादी शादी दादी हुई है एक अंगूठी खरीदी है, मैंने एक अंगूठी खरीदी। अब वो यहाँ आदमी था बोला आपका नाम क्या है, मैं सैयद नजीब हैदर। उन्होंने दूसरा सवाल किया, यू आर ओरिजिनल सैयद, मैं नहीं जानता मैं ओरिजिनल हूँ नहीं। बोले कहाँ से आए हो, मैं इंडिया से। बोले इंडिया के किस मुकाम से आए हो, मैंने कहा बिलग्राम से। तो बोला यू आर ओरिजिनल सैयद, बिलग्राम से, बिलग्राम से बड़ा ताल्लुक है। जब हमारे आबा अजदाद हुजूर महराज शरीफ गए तो लोग देखते नहीं ये लोग कौन है, अजीब से लोग हैं, अजीब बोली है। तो फूट हलवा रहे हैं हम पूरब के पूरबी जात बाज ना मंजे कोई,
पूरब का है वो जानकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो आज मसने से सज्जादगी पर हजरत सोहेल मिल्लत बरादर अजीज सोहेल मियां साहब तशरीफ रखेंगे, फिर ये ताहिर मियां साहब की जगह लेंगे। जगह तो ले चुके यानी आज बाकायदा उनके रस्म सज्जादगी अदा की जाएगी इन बुजुर्गों उनके भाइयों के हाथों और माँ वगैरह उनके सर पे इनके वालिद गिरामी का अमामा बांधा जाएगा। फिर ये यहाँ के सज्जादा होंगे, फिर बड़े भाई की हैसियत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें जिंदा और दर्द रखे, अल्लाह ने हादसों के हसद से बचाया, अल्लाह ने शर्मियों के शर से बचाया, अल्लाह ने जमीनी आसमानी बलाओं से बचाया। अल्लाह ताला ये दुआ है कि अपने आबाओ अजदाद का नाम उसी तरह रोशन करें जिस तरह इनके वालिद गिरामी हजरत ताहिर मिल्लत ने किया। चाचा की खुद और बताकर उत्तर हूँ, अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से ताहिर चाचा में खूबी थी, वो बच्चों से मोहब्बत भी करते थे, बच्चों की इज्जत भी करते थे, बच्चों से अपने छोटों से इज्जत भी करते थे, छोटों से मोहब्बत करते, छोटों की इज्जत करना बड़ी मुश्किल होती है, आजकल तो बड़ों की नहीं की जाती, लेकिन ताहिर चाचा अपने छोटों की भी इज्जत किया करते थे और छोटों के साथ ही बड़ी इंकसारी के साथ मिला करते थे। अभी मुफ्ती हनीफ साहब तकरीर कर रहे थे, मौलाना हनीफ के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनका चेहरा बड़ा नूरानी था, तो चेहरा नूरानी क्यों नहीं होता, चेहरे पर मुस्कुराहट भी क्यों नहीं होती। जब आदमी अपनी जिंदगी कामयाबी के साथ गुजार कर जाता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जिंदगी कामयाबी के साथ इस दुनिया में गुजारी और जिंदगी कामयाबी के साथ गुजार कर इस दुनिया से रुखसत है, और मुस्कुराहट किस बात की थी, मुस्कुराहट समझो मुस्कुराहट किस बात की थी, मुस्कुराहट किस बात की, ये घर वाले रो रहे हैं, घर वाले देर कर रहे हैं, जल्दी से मेरी कब्र में मुझे पहुंचा दे, जिसके लिए सारी उम्र तरसता रहा अब उसका दीदार हो जाएगा, नबी का दीदार हो जाएगा, सरकार का दीदार हो जाएगा, हमारी नाराज हो जाएगी। क्योंकि सुन्नी हुआ करते हैं वो मरने से नहीं डरा करते, जब उन्हें कब्र में जाते हैं तो नबी का दीदार करते हैं, तो मुस्कुराहट लगती थी कि घर वाले दफन करो नबी का दीदार हो जाए, नबी के चेहरे को देख लें, नबी का चेहरा देख लें, और यही बात की मुस्कुराहट होती है। और जब आदमी कामयाब होकर जाता है तो मुस्कुराता हुआ ही जाता है, वो दुनिया से अपनी जिंदगी दुनिया में जब तक रहे ये किस बात का नतीजा था, अकेले हलाल खाते थे। फिर वो बात दोहराऊंगा, नजरानों पर डिपेंड नहीं, जो मेहनतें उन्होंने की हैं। अभी मैं घर पे आया तो बिरादर मोहतरम बादशाह भाई बहुत देर बुला दी, बादशाह भाई यही कहते रहे कि बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत किया है, बड़ी मेहनत किया करते थे, बड़ी रियादत किया करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ रहा करते थे। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे, मेरे भाई की उम्र बरकत और सारे भाइयों को उम्र बरकत अता फरमाए, और दुआ किया करिए कि हजरत नबी मोहम्मद सुबरा की औलाद चाहे बिलग्राम में हो, चाहे माहरा में हो, चाहे मसौली में हो, सब एक ही देगी, एक ही तो है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बिरादर मोहतरम फकीर अखंड मियां साहब की आज का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए नहीं हाजिर हो पाए, नहीं उन्हीं को आना था मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि बता देना कि मम्मी आग की तकलीफ के बाद देवाया, इंशाल्लाह ताला आग की तकलीफ दूर होगी, फिर वो हाजिर होंगे। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखें।